हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के आप लेटेस्ट अपडेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नए नए फीचर्स जो व्हाट्सएप की अपडेट्स में आते हैं वो आप सबसे पहले कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस विंडो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कैमरे का, और दूसरा आपका चैट्स का होता है, तीसरा स्टेटस का है, और चौथा कॉल का है। तो यहाँ पे जैसे नीचे एक कॉल का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से एक कॉल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेटस में, यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिससे आप कोई नया स्टेटस यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे आप चैट किसी के साथ कर सकते हैं। और पहले यहाँ पे एक ऑप्शन होता था व्हाट्सएप स्टेटस का, जो कि अब हटा दिया गया है। तो और यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी व्हाट्सएप का स्टेटस टेक्स्ट स्टेटस एक हुआ करता था फ़ोन नंबर के साथ में, लेकिन अब वो हट चुका है। और किसी भी कॉन्टैक्ट्स में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस का एक ऑप्शन होता था, जहाँ पे आप स्टेटस देख पाते थे किसी का भी, लेकिन अब वो टेक्स्ट और स्टेटस जो है हट चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना पुराना वाला व्हाट्सएप का स्टेटस वापस ला सकते हैं, और आपका अपना ये व्हाट्सएप का लेटेस्ट अपडेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एक नया फीचर भी इसमें देख पाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करने की चार कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपने मैसेज सेंड किया तो अगर आपके फ़ोन में नेट पैक नहीं है या फिर आपका फ़ोन कनेक्टेड नहीं है नेट से, तो मैसेज आपका सेंड नहीं होगा फ़ोन से। और यहाँ पे एक वॉच का घड़ी का निशान बना हुआ है जिससे ये पता लगता है कि ये अभी मैसेज सेंड होने के लिए वेट कर रहा है इंटरनेट का। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके फ़ोन में नेट है और आपने मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन जहां आपने मैसेज सेंड किया है उस बंदे के पास अभी नेट नहीं है या फिर उसने अभी नेट ऑन नहीं किया है, तो आपके फ़ोन से तो मैसेज चला जाएगा लेकिन वहां पे अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो यहां पे एक टिक का निशान बन के आता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपने मैसेज सेंड कर दिया और दूसरे जहां पे आपने मैसेज भेजा है उसने भी नेट ऑन कर रखा था और वहाँ पे मैसेज डाउनलोड हो चुका है। और चौथी कंडीशन ये है कि आपने मैसेज सेंड किया और उसने डाउनलोड भी कर लिया और मैसेज को पढ़ भी लिया। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि अगर आप पहली कंडीशन में हैं तो आप मैसेज अपना वापस ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस मैसेज को यहाँ से सेलेक्ट किया और अगर मैंने इस बटन से इसको डिलीट कर दिया तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर कंडीशन दो अप्लाई हो जाती है, यानी कि मैसेज आपके फ़ोन से चला जा चुका है, तो आप मैसेज को वापस नहीं ले सकते। तीसरी कंडीशन होती है कि आपका मैसेज चला गया है तब भी आप मैसेज को वापस नहीं ले सकते। और चौथी कंडीशन में मैसेज उसने पढ़ लिया है, तो अगर आप चाहें भी तो वापस लेके क्या फ़ायदा, क्योंकि उसने मैसेज पहले से पढ़ लिया है। तो जो नया फीचर व्हाट्सएप का आ रहा है उसमें यह है कि आप मैसेज को वापस ले सकते हैं दूसरी और तीसरी कंडीशन में। चौथी कंडीशन में तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐप है व्हाट्सएप ट्वीक, जिसमें कि ये फीचर्स अवेलेबल हैं। जो भी व्हाट्सएप के नए फीचर्स होते हैं वो उस ऐप से एनेबल किए जा सकते हैं। तो जैसे अभी आप इस विंडो में देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप का जो लेआउट है वो इस तरीके का है, जो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये टेक्स्ट का यहाँ पे कैमरे का बटन दिया है और इमोजी का बटन दिया है, और बीच में एक टेक्स्ट बार दिया हुआ है, और ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और ऊपर की तरफ कॉल का बटन है जहाँ से आप अगर टैप करेंगे तो वीडियो कॉल का और वॉइस कॉल का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे एक अटैचमेंट का बटन होता है जिसपे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स अटैच करने, ऑडियो, लोकेशन, कैमरा, गैलरी और कॉन्टैक्ट भेजने के ऑप्शन होते हैं। तो ये सब इस तरीके से यहाँ पे अरेंज है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप की जो नई अपडेट है उसमें ये सब सारा लेआउट जो है चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का स्टेटस का बार नहीं है, वो भी आ चुका है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई भी ब्राउज़र खोलना होगा, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा, और इसके अंदर आपको ये एड्रेस टाइप करना है www.tweaks.lx193a.com। आप इस वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप ट्वीक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे वर्ज़न है 2.2.8 लेटेस्ट वर्ज़न है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये पूछता है कि आपको फ़ाइल सेव करनी है या नहीं, तो मैं यहाँ पे ओके का बटन दबाता हूँ तो यह फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लगी है। ये फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड हो रही है। तो जैसा कि ये फ़ाइल डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसको ओके करता हूँ, इस पर टैप करता हूँ तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन पूछेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पे बटन दबाना होगा, और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आप इसको यहाँ से लॉन्च कर दीजिए, मतलब ओपन कर दीजिए। अभी आप सबसे बड़ी बात, आपको आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए, तो आपका फ़ोन यहाँ से आपको रूट का परमिशन इसको देनी होगी। मेरा फ़ोन रूटेड है पर मैंने अभी इसको परमिशन नहीं दी है, तो मैं इसको यहाँ से
परमिशन में जाके रूट एक्सेस में जाके इसको एक्सेप्ट करके रूट परमिशन मैंने इसको दे दी है। तो अभी इसको परमिशन मिल गई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे कि व्हाट्सएप ओल्ड स्टेटस इन्फो, आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, इनेबल रिवोक मतलब मैसेज को वापस लेने वाला फ़ीचर जो नया आया है उसको इनेबल करना चाहते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा ऑप्शंस देखने हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन इसको इनेबल कर दिया। ये सारे ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल ऑल कर दीजिए। सारे फीचर्स यहाँ से इनेबल हो चुके हैं और इन सबको सेलेक्ट करके आप सारे फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप WhatsApp की ऐप में जाइए। तो अभी इसको WhatsApp को एक बार फोर्स शट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके फीचर्स अप्लाई होंगे। तो पहले मैं यहाँ से WhatsApp को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ से इंस्टॉल्ड ऐप में जाके सेटिंग में जाके डाउनलोडेड ऐप्स में WhatsApp को फोर्स स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको WhatsApp को फोर्स स्टॉप कर दिया। अब मैं यहाँ WhatsApp खोलता हूँ तो यहाँ पे जो है लेआउट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। सारे फीचर्स यानी कि यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट बार अब राउंडेड हो चुका है और ये अटैचमेंट का जो बटन ऊपर हुआ करता था वो अब नीचे आ गया है और ऊपर जो है कॉल और वीडियो के बटन अलग अलग हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको इन्फो का एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपका पुराना वाला स्टेटस था, पुराने वाले स्टेटस का नाम चेंज होके उसको इन्फो कर दिया गया है। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको कौन सा स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने अपना स्टेटस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ अपने चैनल का नाम और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा अब नया स्टेटस अप्लाइड हो गया है और इसका नाम स्टेटस नहीं है, योर करंट इन्फो। पहले यहाँ पे योर करंट स्टेटस हुआ करता था लेकिन अब स्टेटस की जगह पे इन्फो आ चुका है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे सेटिंग में यहाँ पे मेरा इन्फो एंड फ़ोन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा स्टेटस दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ये वर्ज़न अभी भी वही वाला है। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वर्ज़न वही है, बस चेंजेस उस व्हाट्सएप ट्वीक्स जो ऐप है उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो वो ऐप जो है वो आपके जो भी व्हाट्सएप की नई अपडेट्स होती हैं उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, हिडन फीचर्स होते हैं, तो वो सारे अप्लाई हो जाते हैं आपके लिए यूज़ करने के लिए। तो अब आप जैसे कि ये कंडीशन टू में और कंडीशन थ्री में मैसेज यहाँ से पहुँच चुका है और इसको आप अगर वापस लेना चाहते हैं तो आपकी इस मैसेज पर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक नया ऑप्शन है जहाँ के तीन डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं। तो आप अगर उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है और एक दूसरा है अनसेंड का ऑप्शन। अगर आप इस अनसेंड पे दबाते हैं तो अनसेंड दिस मैसेज का पॉपअप खुल के आता है। तो इसमें आपको दो बटन मिलते हैं, कैंसिल और अनसेंड का। अगर मैं इस अनसेंड के बटन पे दबाता हूँ तो ये मैसेज जो है दिस मैसेज वॉज अनसेंड का आपका शो हो रहा है। लेकिन जैसे कंडीशन थ्री है तो कंडीशन टू जो थी वो मैंने मैसेज बहुत पहले सेंड किया था और उसी वक्त मैंने उसको अनसेंड का बटन दबा के उसको अनसेंड वापस ले लिया। अगर मैं कंडीशन थ्री यानी कि बहुत देर इसको मैसेज को सेंड हुए बहुत देर हो चुकी है तो अब इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कि अनसेंड करने का। तो अगर आप ज़्यादा देर हो जाती है मैसेज को पहुँचे हुए तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। और कंडीशन फोर यानी कि अगर मैसेज उसने पढ़ लिया है तो भी ऑप्शन नहीं आता कि आप उसको वापस ले सकें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं लेटेस्ट एक मैसेज करता हूँ तो ये मैसेज वहाँ पे पहुँच गया है लेकिन अब मैं इसको अनसेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मुझे। और अगर इस मैसेज को मैं बहुत देर तक छोड़ देता हूँ तो ये मैसेज अनसेंड का ऑप्शन नहीं आएगा फिर। तो ये मैसेज जैसे कि देख पा रहे हैं आप अनसेंड हो चुका है। अभी ये मैसेज अनसेंड तो हो गया लेकिन अभी ये नया फीचर है तो सारे यूज़र्स के पास अभी ये नया फीचर अवेलेबल नहीं है और ये अभी पब्लिकली रिलीज़ भी नहीं किया गया है। ये फीचर अभी भी पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, मतलब मैसेज आपने अनसेंड कर दिया लेकिन वहाँ पे मैसेज पहुँच जाएगा। इस फीचर का अभी सिर्फ एक आपको यूआई ही मिलता है, मतलब ऑप्शन ही मिलता है लेकिन आप अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे
अटैचमेंट का यहाँ पे आ गया है, कैमरे का बटन थोड़ा राउंड हो गया है और ये टेक्स्ट बार भी पूरा का पूरा राउंड हो गया है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्फो में अगर आप जाएंगे तो दूसरे यूज़र का भी आपको इन्फो एंड फ़ोन नंबर यहाँ से मिलेगा, यानी कि अगर उसने टेक्स्ट स्टेटस लगाया हुआ हो तो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन अभी ये फीचर भी अभी भी नया नया आया है, वापस आया है दोबारा स्टेटस, तो अभी पहले वाला तो हट चुका है, इस वजह से ये फीचर भी अभी सिर्फ हिडन ही है, बस आपको इसका UI मिलता है, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, पर अभी ये अप्लाई हुआ नहीं है हर तरफ से सारे यूज़र्स के पास। जब ये अपडेट आ जाएगी तब जाके आप इस फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।